एक मार्च को महाशिवरात्रि पर महाशिवरात्रि महोत्सव शोभा यात्रा अभिनंदन समिति की ओर से पटना में 22 स्थानों पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इन सभी शोभा यात्राओं का अभिनंदन खाजपुरा शिव मंदिर के पास होगा। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह और बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने महाशिवरात्रि शोभा यात्रा को लेकर कैलेंडर जारी किया। वहीं शोभा यात्रा के लिए रथ को भी रवाना किया। 1 मार्च को होने वाले अभिनंदन समारोह में राज्यपाल सहित बिहार सरकार के कई मंत्रियों की उपस्थिति रहेगी। महादेव ने हमारी रक्षा की है, हम सब उभर रहे हैं। यह उनकी ही कृपा, जीवन में जो जीवंतता बनी रही तो उसके पीछे यही मूल कारण रहा है। कहीं यह इतिहास नहीं है कि भगवान शिव ने कब तप किया था, उनका मिलन कब हुआ, उनका विवाह कब हुआ और उस समय के हम लोगों ने कैलेंडर पैम्फलेट कार्ड और रथ रवानगी किए हैं। इस अवसर पर, शुभ अवसर पर माननीय मंत्री जी की माननीय अमरेंद्र बाबू उपस्थित थे। उन्होंने शिव मंदिर, जो ऐतिहासिक शिव मंदिर है जहाँ पर लाखों की संख्या में महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ आने का काम होता है, वहाँ से रवानगी के काम किए हैं। आपको बताएं कि महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर 22 झांकियाँ और 12 विशेष करके ज्योतिर्लिंग जो है देश के अंतर्गत, सभी को उस झांकियों का स्वरूप के माध्यम से यहाँ लाखों लोग आने वाले हैं। और विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री, माननीय केंद्रीय मंत्री, माननीय राज्यपाल, माननीय मंत्रीगण, माननीय धर्माचार्य लोग सब लोग उपस्थित रहने वाले हैं। साथ ही साथ 3-4 दिन पूर्व 201 मंदिरों में कम से कम शिव चर्चा एक समय पर होने का काम होगा। उसके माध्यम से सभी श्रद्धालुगण अपने अपने स्थानों पर शिव चर्चा करेंगे और महाशिवरात्रि अभिनंदन समिति के अवसर पर यहाँ जो झांकियाँ निकल कर आएगी सबका अभिनंदन करने का काम करेंगे। आपके माध्यम से जो झांकियाँ निकल रही हैं उनसे भी सब लोग सम्मिलित होने का आग्रह करते हैं। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना भी करते हैं। आराम से बाबा की जय।